अस्सलाम वालेकुम और अवान एक्सप्लेन दी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो इस वीडियो में आज हम बात कर रहे थे आप तो क्या लेना चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए। देखिए बहुत लोग जो है वो मिस्टेक कर लेते हैं कंप्यूटर लेते वक्त, उन्हें समझ नहीं आती थी वो लैपटॉप कंप्यूटर ले या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर ले। ये असल में वो लोग होते हैं जिन्हें इतना टेक्नोलॉजी बारे में नहीं पता होता या फिर वो लोग होते हैं जो पहली दफ़ा कंप्यूटर ले रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर उन्हें डेस्कटॉप चाहिए होता है वो लैपटॉप ले लेते हैं या फिर लैपटॉप चाहिए होता है डेस्कटॉप ले लेते हैं। फिर उन्हें बाद में जब टेक्नोलॉजी बारे में पता लगता है फिर उन्हें याद आते थे हमने तो गलती कर दी और इस तरह उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आप तो पैसे वेस्ट ना हो तो इसलिए मैं ये एक गाइड बना रहा हूँ जिससे कि आप तो पता लग जाएगा कि आप तो लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप लेना चाहिए। देखिए अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखते हैं एंड तक तो मैं आप तो दावे के साथ कह रहा हूँ तो आप एक्सपर्ट बन जाए दे लोगों तो एडवाइस देने में तो आप तो लोगों तो लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप लेना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आप तो एक ऐसा पॉइंट बताऊँ तो जो होते आप तो ज़्यादातर यूट्यूबर या फिर तो भी वेबसाइट वाले नहीं बताते, तो आप इस वीडियो तो लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाते हैं तो आप तो मिले ऐसे इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेबल वीडियोस ते नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा होएगा लेकिन आप तो पूरे ध्यान से सब वीडियो तो सुनना और समझना होएगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँगा, अब आप तो लगा है तो वो पॉइंट आप तो कंप्यूटर लेने में मदद करेगा तो आप उसमें पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं लगता तो आप उसमें माइनस कर दीजिएगा और फिर आप बाद में देखिएगा तो यानी कि आपके लैपटॉप जो चीज़ों में पॉइंट ज़्यादा बन है या फिर डेस्कटॉप चीज़ों में ज़्यादा बन रहा है। तो जिसमें आप तो ज़्यादा बन रहे हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, देखिए ज़्यादातर क्या होता है आप तो कंप्यूटर चाहिए होता है, अब आप तो समझ नहीं आ रही होती आप लैपटॉप ले या फिर डेस्कटॉप ले। आप जाते हैं अपनी लोकल मार्केट पे या फिर किसी बड़ी मार्केट में जाते हैं वहाँ कंप्यूटर शॉप तो कहते हैं मुझे कंप्यूटर चाहिए, वो जो है वो फिर आप तो अपने हिसाब से अब उसने तो ना बेचने हैं स्टाफ तो वो क्या रहता है आप कहते हैं देखे लैपटॉप महंगा है इसमें ये चीज़ है तो आप लैपटॉप ले लीजिए। आप फिर कहते हैं ठीक है लैपटॉप ले आते हैं, आप तो पता लगता है नहीं मुझे तो लैपटॉप की फंक्शनैलिटी चाहिए नहीं, मुझे तो डेस्कटॉप जो चीज़ें मिलती है वो मुझे चाहिए और उसकी पावर मुझे चाहिए। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। अब देखिए मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है इसलिए मैं समझ सकता हूँ क्या होता है जब आप लोन कंप्यूटर ले रहे, क्योंकि मुझे भी डेस्कटॉप की ज़रूरत है तो मैंने लैपटॉप ले लिया था तो इसलिए मुझे फिर बाद में चलते पता लगा था मैंने ये इतनी बड़ी गलती कर दी। तो देखिए सबसे पहले बात करती है डेस्कटॉप और लैपटॉप क्या होता है। देखिए डेस्कटॉप हम उस कंप्यूटर कहते हैं जो कि आपके डेस्क के ऊपर रहते इस्तेमाल हो, यानी कि जिसमें आप तो सिस्टम लैदा हो, आप तो मोनीटर लैदा हो, आप तो माउस लैदा हो, आप तो कीबोर्ड लैदा हो, आप तो स्पीकर लैदा हो। और लैपटॉप हम उस कंप्यूटर कहते हैं जो कि बहुत सी सेफ में हो और उसमें सारी चीज़ें हो, यानी उसी के अंदर हो तो ये भी हमें लैदा कंपोनेंट ना लगे। अब जो होते डेस्कटॉप होता है वो लैदा लैदा चीज़ें होती है, लैपटॉप जो है वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज होता है। तो आइए पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो है प्राइस की, अगर आप लैपटॉप की प्राइस तो डेस्कटॉप की प्राइस से कंपेयर करें तो जो आप तो डेस्कटॉप है वो सस्ता मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप i3 और 4GB रैम और 500 हार्ड डिस्क स्पेस के साथ लैपटॉप लेते हैं तो आप तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में पड़ेगा, और अगर आप वही डेस्कटॉप में जाते हैं तो आप तो बहुत हुआ 10 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। तो डेस्कटॉप की जो प्राइस है वो सस्ती होती है लैपटॉप से। तो डेस्कटॉप पे एक पॉइंट ऐड। तो देखिए दूसरे पॉइंट से बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है गेमिंग। देखिए साफ और सीधी सी बात है, अगर आपने असली तरीके में गेमिंग करनी है हाई सेटिंग में और सब कुछ हाई रेजोल्यूशन करते पूरी सेटिंग हाई में करनी है ऐसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग करनी है तो वो आप तो डेस्कटॉप में ही मिलेगी। किसी भी लैपटॉप में आप तो वो परफॉर्मेंस या वो गेमिंग का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा जो आप तो डेस्कटॉप में मिल पाएगा। देखिए अब लैपटॉप जो होते हैं उसमें आप जो उसका कीबोर्ड आया हुआ था जो उसका माउस जिसे ट्रैक पैड कहते हैं वो आया हुआ था उसके साथ गेमिंग करे थे, लेकिन जो
जब आप जाते हैं डेस्कटॉप में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप डेस्कटॉप में जाते हैं तो आपके पास गेमिंग कीबोर्ड आ जाते हैं, गेमिंग माउस आ जाते हैं, नॉर्मल माउस आ जाते हैं, महंगे वाले माउस आ जाते हैं, सस्ते वाले माउस आ जाते हैं। तो अगर आप तो सही तरीके में गेमिंग करनी है तो आप डेस्कटॉप पे ही मिलेगी, लैपटॉप पे आप तो वो गेमिंग का एक्सपीरियंस कभी भी नहीं मिल पाएगा। मिसाल तौर पर आपने 60 FPS की गेमिंग नहीं करनी, आप तो जो है 144 रिफ्रेश रेट की गेमिंग करनी है, तो वो आप तो लैपटॉप में तो नहीं मिल पाएगा। एंड इन डेस्कटॉप में आपके पास ऑप्शन होता है, आप बड़ी आसानी से 144Hz वाला मोनिटर ले आए तो आप 144Hz की गेमिंग कर पाए। तो इसलिए अगर आप तो गेमिंग में चाहिए तो उस देरी आप डेस्कटॉप पे पॉइंट डालें। तो देखिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रोसेसिंग पावर। देखिए ये तो आप तो भी पता होगा कि डेस्कटॉप की जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो लैपटॉप से कहीं ज़्यादा होती है। देखिए होता तो अब लैपटॉप जो है वो एक छोटा सा डिवाइस है और वो बैटरी से चलता है, उसे हम चार्ज कर लेते हैं फिर बैटरी से चलाते हैं या फिर डायरेक्ट भी हम चला सकते हैं, ज़्यादातर बैटरी पे ही चलाते हैं। तो उसका जो पावर कंजप्शन होता है यानी जो पावर लेता है वो बहुत थोड़ा होता है, यानी तो बहुत थोड़ी सी तादाद होती है डेस्कटॉप से, क्योंकि लैपटॉप में जो कंपोनेंट लगे हैं वो छोटे हैं यानी कम पावर लेते हैं। तो इसीलिए पावर कंजप्शन जब वो कम होता है और परफॉर्मेंस भी जो है वो कम दे पाता है। और मिसाल तौर पर अगर आप i3 जो है उसका डेस्कटॉप लेते हैं और i3 का ही सेम लैपटॉप लेते हैं, सेम जनरेशन, सब कुछ सेम, सेम रैम, सेम हार्ड डिस्क रखते हैं, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम देम, तो सेम सेटिंग में चलाते हैं, तो आप तो एक बड़ा डिफरेंस मिलेगा लैपटॉप और डेस्कटॉप से गेमिंग में। डेस्कटॉप में जो है वो गेम जो है वो ज़्यादा FPS दे पाएगी बजाय थे लैपटॉप में, क्योंकि डेस्कटॉप में जो है प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, लैपटॉप में जो कम होती है। अब डेस्कटॉप में जो है आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो अभी बैटरी वगैरह नहीं होती, तो आप तो बहुत ज़्यादा जो है पावर मिल पाती है और उस पावर तो आप प्रोसेसिंग पावर के थ्रू यूज कर पाते हैं। तो देखिए अगर आप कहते हैं कि मुझे प्रोसेसिंग पावर से मतलब है, मुझे जितना बड़ा हो जाए डेस्कटॉप या जितनी ज़्यादा देर या जितनी पावर ले उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ प्रोसेसिंग पावर से, मुझे पावर चाहिए जो मैं यूज़ कर पाऊँ, नहीं तो मुझे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, तो इसीलिए डेस्कटॉप पे पॉइंट। तो देखिए अगला पॉइंट जो है वो है अपग्रेडेबिलिटी का, यानी तो आप इस कंप्यूटर को कितना अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में। तो देखिए बात करते हैं पहले लैपटॉप की। अब लैपटॉप में आप तो पता है आया लैपटॉप जो है उसमें आप इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते, बहुत हुआ आप रैम चेंज कर लेते या फिर आप इसमें नई हार्ड डिस्क लगा लेते, ज़्यादा साइज वाली हार्ड डिस्क वगैरह लगा लेने, लेकिन आप तो मेजर जो चीज़ें होती है उन तो आप अपग्रेड नहीं कर पाए, जैसे तो CPU हो गया या फिर आपका GPU हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, इन जैसी चीज़ें तो आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन हो गया, आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड हो गया, आपके लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसमें आप तो दूसरा लैपटॉप का नहीं लगा सकते, तो इसीलिए आप तो जो एक दफ़ा मिल गया बस वही है। आप इसे तो ज़्यादा ना सोचे थे मैं अभी फ्यूचर में 4 GB, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 4 GB वाला लैपटॉप ले रूँ, फ्यूचर में 8 GB ऑफ रैम डाल दूँगा, अभी मैं 128 GB वाली हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप ले लूँ, फ्यूचर में मैं 2 TB वाला डाल दूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है और लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटी होती है, तो आप कर सकते हैं लैपटॉप के साथ। तो देखिए अब बात करते हैं डेस्कटॉप की अपग्रेडेबिलिटी की। तो देखिए डेस्कटॉप में आप जो मर्जी चाहे वो अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें तो लिमिट नहीं होती ते साइज की। हाँ साइज तो थोड़ा बहुत होगी तो आपने तेज टोन से लिया है, इतनी ज़्यादातर इतनी मैटर नहीं करता, तो जो आम तेज होता है मिड टावर उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने गेमिंग के लिए डेस्कटॉप बनाया, आपके पास पैसे नहीं है थे, आपने कहा थे मैं ग्राफिक कार्ड फ्यूचर में ले लूँगा, आपने वहाँ से पैसे बचा लिए, आपने कहा थे मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं, मैं 4 GB रैम ले लेता हूँ, फ्यूचर में 8 GB डाल लूँगा, वहाँ से भी आप अपग्रेड कर सकते हो और आपके पैसे भी बच गए। आपने कहा थे मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं ऐसे 120 GB की SSD लगा लेता हूँ, फ्यूचर में मैं 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क भी उसके साथ लगा लूँगा, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं अपग्रेडेबिलिटी से।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇ ਤੌਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਇਥਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸਕਟੋਪ ਮੇਂ ਉਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਨਮੇਂ ਵਾਈਫਾਈ ਬਿਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਅਬ ਜੋ ਨਏ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਉਨਮੇਂ ਤੋ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਇਥਰਨੈਟ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਝੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਤੀ ਆਪ ਕੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਦੇ ਆਪਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਨੇ ਵਾਈਫਾਈ ਅਡਾਪਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਬ ਆਪ ਤੇ ਡੈਸਕਟੋਪ ਮੇਂ ਵਾਈਫਾਈ ਆਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਚਾਰ USB ਜਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ USB ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਬ ਉਹ ਚਾਰੋ USB ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਨੇ ਯੂਜ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਫਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤੋ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਦੇ USB ਹੱਬ ਲੈ ਆਏ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਔਰ USB ਆਦੇ ਔਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ USB ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕਟੋਪ 'ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਹਲਕਾ ਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕੀਬੋਰਡ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਮਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਹਲਕਾ ਸਾ ਮਾਊਸ ਲੈ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਮਹਿੰਦਾ ਸਾ ਮਾਊਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਮੋਨੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੋ ਜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਬਿਲਟੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਆਪ ਉਸੇ ਤਿਆ ਬੁੜਾਤੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਤੇ ਰਹੇ ਤੋ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਤੋਂ ਡੈਸਕਟੋਪ ਮੇਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਲੈਪਟੋਪ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਬਸ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਤੇ ਆਪ ਦੂਸਰੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪੇਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਮਿਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਆਓ ਤੋ ਮੈਂ ਤੋਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇਤਾ ਚਲੂ ਆਪਨੇ ਲੈਪਟੋਪ ਲਿਆ ਆਪਨੇ ਆਪ ਉਸ ਲੈਪਟੋਪ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਯੂਜ ਕੀਆ 2 ਸਾਲ ਯੂਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਫੈਨ ਹੈ ਉਸਮੇ ਤਚਰਾ ਬਾਹਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸਹੀ ਸੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਤਰਨੇ ਲਏ ਤੋ ਆਪ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਫੈਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੈਨ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਮੇਂ ਚਲਨੇ ਦੇ ਅਬ ਡੈਸਕਟੋਪ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਨ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਉਹ ਵੀ CPU ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬਸ ਆਪਨੇ ਫਿਊਚਰ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਉਹ ਦਰਾਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਦੇ ਆਪਨੇ ਔਰ ਫੈਨ ਲੈ ਆਏ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਸੇ ਜੋ ਸ਼ੈਡੋ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪੀਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤਮ ਸੇ ਤਮ ਮੇਂ ਹਾਈ ਲੋ ਸੇ ਲੋ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇਜ਼ ਡੈਸਕਟੋਪ ਤੇ ਲਈ ਉਸ ਮੇਂ ਵੀ 2 ਫੈਨ ਲਗਾਉਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਸ ਫੈਨ ਤੋਂ ਪੀਛੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਡ ਪੇ ਤਮ ਸੇ ਤਮ ਹੋਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਹਰ ਤੇਜ਼ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪਨੇ ਵਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੋ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੈਸਕਟੋਪ ਮੇਂ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਬਿਲਟੀ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਆਪ ਡੈਸਕਟੋਪ ਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਲੀਏ ਦੇਖੀਏ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਪੇਸ ਯਾਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਸਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਊਟ ਤੇ ਲੈਪਟੋਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਮ ਸਪੇਸ ਲੇਤਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਤੇ ਡੈਸਕਟੋਪ ਸੇ ਅਬ ਦੇਖੀਏ ਲੈਪਟੋਪ ਸਾ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਪਟੋਪ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥ ਆਪ ਮਾਊਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਟਰੈਕ ਪੈਡ ਯੂਜ ਕਰਤੀ ਜੋ ਲੈਪਟੋਪ ਦੇ ਸਾਥ ਆਤਾ ਹੈ ਬਸ ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ ਆਮ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਮੇਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਾਊਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੈ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀ ਮੇਂ ਤੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਂ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀ ਅਬ ਡੈਸਕਟੋਪ ਮੇਂ ਤਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈਦਾ ਸੇ ਲੈਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਤੋਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਰੱਖਣੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਦਾ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਰੱਖਣੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਲੈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਮਾਊਸ ਰੱਖਣੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਏ ਅਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਡੈਸਕਟੋਪ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਯੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਦੁਨੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੈਡ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡੈਸਕਟੋਪ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਬੈਡ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸ਼ੈਡ ਬਤੋਨੇ ਪੇ ਐਸਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੈਪਟੋਪ ਹੈ ਆਪਨੇ ਉਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰਤੇ ਸ਼ੈਡ ਪੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਦੇ ਤੋ ਡੈਸਕਟੋਪ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਟੇਬਲ ਮੇਂ ਰਹੇ ਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਤੋ ਆਪ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਹੋਈ ਦੀ ਬੈਠਣੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਦੀਦੀ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੈਪਟੋਪ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਤੇ ਡੈਸਕਟੋਪ ਸੇ ਅਬ ਦੇਖੀਏ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਐਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਤਾਨੇ ਲੱਗਾ ਹੂੰ ਜੋ ਤੇ ਆਮ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਅਬ ਆਪ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਹੀਏ ਅਬ ਹੋਸਟਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਸਾ ਡੈਸਕ ਰੱਖੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਵਾਂ ਬਸ ਆਪ ਤੋਂ ਬਸ ਬੈੱਡ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਤੋ ਐਸੇ ਮੇਂ ਆਪ ਲੈਪਟੋਪ ਲੈ ਲੇ
लैपटॉप में आप हॉस्टल में रख लें, उसका तो ही मसला नहीं है, आप अपने बेड के साथ ही रख सकते हैं लैपटॉप। तो ये देखिए, तो इस तरह जो है स्पेस का जो मसला है वो हल हो गया लैपटॉप के थ्रू। जबकि डेस्कटॉप जो है आप तो ना ज़्यादा चाहिए, आप तो ज़्यादा रहते हैं होते लैदा कमरा चाहिए जहाँ आप अपना सिस्टम सेट कर पाए, लेकिन लैपटॉप तो ना आप नहीं भी उसे रख सकते, इतनी ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेता, तो इतना ज़्यादा ज़्यादा जो है उस तेरी नहीं चाहिए होती जितने दिन हमें डेस्कटॉप के चाहिए होती है। तो इसी से साथ साथ जैसे मैंने बताया थे, डेस्कटॉप तो आप टेबल में रखे थे और खुद ही बैठने दीजिए, चेयर तो ले थे वरना जमीन पे बैठे थे ऐसे चलाए थे, यूँ हाथ ऊपर करते क्या चलाए थे, तो इसीलिए उसका भी आप तो खर्चा पड़े था, आप तो टेबल भी लेना पड़े था, चेयर भी लेनी पड़े थी। तो अगर आपके पास स्पेस कम है, आप तो एक ऐसी मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जो ते कम स्पेस लेता हो, तो लैपटॉप आप दे है, लैपटॉप में पॉइंट ऐड कर लीजिए। देखिए अगला पॉइंट जो है वो है रिपेयर का। तो इसमें जो है साफ सी बात है, लैपटॉप की जो रिपेयरिंग दोष हैं थे रिपेयर करने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है डेस्कटॉप से। जहाँ आप डेस्कटॉप तो सिर्फ 500 रुपये में ठीक करा लेते, वहाँ आप तो लैपटॉप के लिए 1500 से 2000 तक देने पड़ जाते हैं। अब होता है इसीलिए है क्योंकि डेस्कटॉप जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, हर चीज़ होती है आराम से, तो भी उसे ठीक कर लेते हैं। लेकिन लैपटॉप जो होता है वो छोटी सी मशीन होती है, उसमें तो नेटवर्क बहुत साथ साथ होते, ज़रा सी भी गलती कर ले तो ही उससे ठीक करते थे हम, रिपेयर करते थे हम लैपटॉप, तो दूसरी चीज़ तो नुकसान कर देगा, इसलिए बड़े एहतियात से उस वहाँ जो है रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए रिपेयरिंग तो जो होती है लैपटॉप की वो बहुत ज़्यादा होती है बजाय थे डेस्कटॉप से। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप में से जो लोग हुए थे पुराने, यानी थे 2001-2002 में, इस दौर में जो कंप्यूटर यूज़ करते हुए थे, या 2005 तक, जिन्होंने 2005 से बाद में कंप्यूटर यूज़ किया उन्हें इतना सही नहीं पता लगेगा। मतलब पहले क्या होता है ना, ने विंडो चलानी होती थी, वो बाहर से चलानी होती थी, हर चीज़ तो विंडो चलानी नहीं आती थी, तो जो डेस्कटॉप में विंडो तरते देते थे वो बहुत हुआ आपसे ले लेते, 300-400 रुपया ले लेते थे। वहीं अगर आप लैपटॉप ले जाए अपनी लॉकर शॉप के पास कंप्यूटर वाली, तो मुझे विंडो तर दे, तो वो 1500 से 1000 रुपया तक भी ले लेने। ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने अपने लैपटॉप आया था मेरे पास, आज से 3 साल पहले पुरानी बात है, उसमें मैंने विंडो चलानी आई थी, तो उस टाइम विंडो तो कंप्यूटर में तरने था वो काफ़ी हाई होता है, क्यों तो उस टाइम इतना लो तो पता नहीं था कि विंडो तीसरा तरनी, आज सब तो बच्चा बच्चा विंडो तर लेता है, बड़ा आसानी से प्रोसेस है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जो और कुछ नहीं है। तो लैपटॉप में मैंने विंडो चलाई तो मुझे 1000 रुपया पड़ गया, उस वक्त 1000 रुपये आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले, तो आप सोच सकते हैं लैपटॉप की जो है रिपेयरिंग दोस्त कितनी ज़्यादा होती है बजाय थे डेस्कटॉप से। तो अगर आप तो चाहिए थे, आप बजट टाइट है, आपने एक दफ़ा मशीन ले ली, अब आप रिपेयर तो उस कराना चाहते हैं, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप बार बार उसे रिपेयर करा रहे हैं, तो आप डेस्कटॉप में पॉइंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं हाँ मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास पैसे है, मैं बाबू हाँ हूँ, ज़मीन बेची है मैंने, तो गाँव में आया हूँ, कंप्यूटर लिया है, तो मैं तो लैपटॉप ही लूँगा, तो फिर ये आपके ऊपर है, आप इसमें पॉइंट ऐड करना चाहते हैं डेस्कटॉप तेरे ड्रीम में या फिर लैपटॉप तेरे ड्रीम में। यही अगला जो पॉइंट है वो है एसेसरीज का। देखिए बिना डाउट दे डेस्कटॉप में आपको ज़्यादा एसेसरी, ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है बजाय थे लैपटॉप से। अब लैपटॉप में हो दिया बहुत ज़्यादा आप या उसके साथ लैदा तो नेट दे दे, माउस तो नेट डाल ले दे लैदा, या फिर कीबोर्ड तो नेट डाल ले दे, लेकिन जहाँ बात आती है डेस्कटॉप की, आप तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे से मुराद है बहुत ही सारे, आप उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। आपने मिसाल तो अभी डेस्कटॉप लिया, आप तो उसका तेज पसंद नहीं आया, आपने दूसरा तेज ले लिया, अब आप लैपटॉप का पूरा जो तेज है उसे तब्दील तो नहीं करा सकते ना, उनसे पूरा बॉडी बनी हुई है उस, तो आप कहाँ से तब्दील करा, लेकिन डेस्कटॉप में आप तो नहीं पसंद है, आपने चेंज करा लिया, आप एक कीबोर्ड अटैच किया हुआ है अपने डेस्कटॉप से, आप तो एक और कीबोर्ड भी चाहिए, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, यानी तो डेस्कटॉप से आप तो बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाती, यानी तो छोटे से मिसाल देता चलो, आप तो बड़े से बड़े ग्राफिक्स आप भी मिल जाते, 3 पंखे वाले और लिक्विड कूलिंग वाले, वहीं से
वाटर तो इस्तेमाल था जो तो ठंडा होता रहता है, प्रोसेसर तो जीपीयू तो वो भी मिल जाते, दो पंथोल भी मिल जाते, छोटा ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता, शहर में बड़ा ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता, वीआर हेडसेट जो है वो भी आपको मिल जाते हैं डेस्कटॉप में, और आप तो वाईफाई तार भी मिल जाता है डेस्कटॉप में, यूएसबी हब आप तो चाहिए वो भी आप तो डेस्कटॉप के सामने मिल जाते, जानी तने तब मत से डेस्कटॉप चाहिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी से मुराद है बहुत सारी, आम तो कैमरा भी मिल जाएगा, माइक भी मिल जाएगा, हर क्वालिटी का, हर किस्म का, जिस किस्म का आप तो चाहिए, जिस किस्म का डिजाइन आप तो चाहिए उसके लिहाज से मिल जाएगा, लैपटॉप के साथ जो है वो उसके साथ लिमिटेड चीजें जो है वो आप अटैच कर सकते हो, और लिमिटेड चीजें उसके साथ आप तो मिलती है, यानी डेस्कटॉप की बात की जाए तो आप उसके साथ जितना चाहिए उतना आप अटैच करते जाए और आप तो उतनी चीजें मिल जाती, आप मार्केट में जाए आप कहे तो मुझे लैपटॉप तेरे ये चाहिए, बहुत हुआ आप तो लैपटॉप तेरे स्टीकर मिल जाएगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाएगा, बस औरतें मिलेगा, लेकिन आप जाए डेस्कटॉप में आप तो मुख्तलिफ साइज की मॉनिटर मिल जाएगा, एलईडी मॉनिटर मिल जाएगा, एलसीडी मॉनिटर मिल जाएगा, ओलेड मॉनिटर मिल जाएगा, नॉर्मल कीबोर्ड मिल जाएगा, गेमिंग कीबोर्ड मिल जाएगा, आरजी कीबोर्ड मिल जाएगा, 16 मिली वाले जो तल वाला आरजीबी है वो वाला मिल जाएगा, सिंपल लाइट वाला वो वाला मिल जाएगा, आप तो सब बहुत सारे चीजें मिलती है डेस्कटॉप पे जो आप डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इतना आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप चाहते तो मुझे बहुत सारी चीजें जो है वो मैं अटैच करूँ अपने डेस्कटॉप से, तो डेस्कटॉप की कैटेगरी में पॉइंट ऐड करें। यही अगला जो पॉइंट है वो है स्क्रीन साइज का, अब लैपटॉप में जो है उसमें आप तो बहुत हो दिया 13 इंच की, 15 इंच की, 16 इंच, 17 इंच की जो है वो स्क्रीन साइज मिल जाते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप पहले छोटी स्क्रीन साइज वाला लैपटॉप ले लें और फिर आप उसी लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन ऐड कर दें, लेकिन लैपटॉप में आपके पास ऑप्शन होता है, आप शुरू में अगर आपके पास पैसे नहीं है आप 17 इंच वाला मॉनिटर ले लें, बाद में आप 24 इंच वाला ले लें, फिर और बड़ी साइज वाला मॉनिटर लेना है तो फिर आप 32 वाला ले लें या 40 वाला ले लें, यानी तरह आप तो कहते हैं तो मुझे ज़्यादा बड़ी से बड़ी स्क्रीन साइज चाहिए ना, तो मुझे बड़ा से बड़ा जो है मॉनिटर चाहिए, मैं बहुत सारा काम करूँगा, तो वो जो है वो आप तो मिल जाता है डेस्कटॉप में, लैपटॉप में आप तो नहीं मिलता, और इसी के साथ एक और भी बात है थे अगर आप देखे थे मेरा 1 मॉनिटर से जी नहीं बढ़ता, मुझे 2 मॉनिटर चाहिए या 3 मॉनिटर चाहिए या अल्ट्रा वाइड मॉनिटर चाहिए, तो आप डेस्कटॉप के साथ तो नेट तो बड़े आराम से तर पाए थे, लैपटॉप के साथ भी तर पाए, लेकिन कहने का ये मकसद है थे आप तो एक दफ़ा जो है वो लैपटॉप में बस स्क्रीन साइज चूज करने का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद अगर आपने बड़ी स्क्रीन चाहिए लैपटॉप में तो आप तो पूरा का पूरा लैपटॉप नया खरीदना पड़ता है, तो वहाँ बात आ जाती डेस्कटॉप थी, तो मैंने तो आप पहली छोटी स्क्रीन ले ले बाद में बड़ी स्क्रीन ले लीजिएगा, इसमें तो बुरी बात नहीं थी, आपने पहले छोटी स्क्रीन ली बाद में बड़ी ले ली, तो अगर आप कहते हैं मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप डेस्कटॉप से शायद चाहिए, और अगर आप कहते हैं नहीं मैं छोटी स्क्रीन से ठीक है काम चला लेता इतना मुझे कुछ है नहीं, मैं एक वक्त में एक ही प्रोग्राम ओपन किया होता है मेरी तरह नहीं, हर तो ही होता जो चार चार पाँच प्रोग्राम एक दफ़ा ओपन करे, अगर आप उस किस्म के आदमी नहीं है तो फिर लैपटॉप ले लीजिए, छोटी स्क्रीन होती है, बड़ी स्क्रीन चाहिए तो फिर सीधी बात है डेस्कटॉप, अब बड़ी स्क्रीन का जो होता है उसमें बड़े फायदे होते हैं, वो छोटी स्क्रीन जो है उसमें भी अपने अपने फायदे होते हैं, छोटी स्क्रीन ने क्या फायदे है वो आप समझते हुए थे, और बड़ी स्क्रीन ने क्या फायदे है उसमें भी आप तो जहन में आ रहा होगा, तो आप दूर से बैठ के देख सकते हैं, बड़ी पिक्चर आप तो देखने नहीं मिलेगी, होम थिएटर टाइप आप बना सकते हैं, ज़्यादा सारे लोगों ने देखना है तो वो देख सकते हैं, तो आप देख लीजिए आप तो क्या चाहिए, ज़्यादा स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए, तो देखिए अगला पॉइंट जो है वो है यूजबिलिटी का, यानी तो कौन सा कंप्यूटर यूज करना आसान है, ये सबसे पहले मैं एक बात जो है वो क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग जो है बहुत सालों से मुराद है 95% जो लोग है इस पाकिस्तान में वो ये समझते हैं कि लैपटॉप तो यूज करना मुश्किल है बजाय तो डेस्कटॉप से, जब तो ऐसी बात नहीं है, मैं आप तो बता दूँ, और ये जो अफवाह है यानी जो भी आप कह लें वो चीज़ है मिथ है या क्या है जो भी आप समझते हैं, मैं इसलिए तल दूँ कि लैपटॉप तो यूज करना
डेस्कटॉप से आसान है। लैपटॉप तो यूज करना डेस्कटॉप से आसान है। दूसरी दफा मैंने ये बात बोली, आप ऐसा मैंने क्यों कहा इस तो बारे में बात करते हैं। देखिए लैपटॉप तो क्या है, लैपटॉप तो अगर आप बच्चे तेरे लिए ले रहे हो तो छोटे बच्चे हैं या उन तेरे ले रहे हैं जिन्हें नहीं पता, अगर आओ तो भी इतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो आप लैपटॉप ले लीजिए। तीन मानिए उसे यूज करना बहुत आसान है। आपने क्या करना, सिर्फ उसके ऊपर स्क्रीन होनी है और एक बटन आपने दबाना है, बस आपका कंप्यूटर ऑन हो गया और कुछ भी मसला नहीं है। जब बात कीजिए डेस्कटॉप की, सबसे पहले आपने अपने सिस्टम का स्विच जो है वो लगाना है, उसके बाद मॉनिटर का स्विच लगाना है, उसके बाद आपने देखना है कीबोर्ड जो है वो सही तरह से लगे हुए हैं आपके सिस्टम के साथ यानी, और माउस जो है वो इस तरह से लगा हुआ है या नहीं। फिर आपने मॉनिटर जो है उसका बटन ऑन करना है, फिर आपने उसके बाद डेस्कटॉप जो है उसका बटन ऑन करना है, तब जाके ऑन होएगा आपका। लेकिन अगर बात ही जो लैपटॉप की तो वही बात, बस एक सिंगल क्लिक यानी कि वन क्लिक पे ऑन हो जाता है। जो डेस्कटॉप है वो ऐसा नहीं होता, और लैपटॉप जो है वो जैसे तो मैंने कहा एक पूरी सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, उसके साथ और ज़्यादा तो चीज़ें नहीं होती लैदा अटैच करने वाली। जबकि डेस्कटॉप उसके साथ हर चीज़ लैदा अटैच करनी होती है। मिसाल के तौर पे क्या हुआ था, आपने डेस्कटॉप ऑन किया, अब तो ऐसे में क्या हुआ था, आपके डेस्कटॉप वाली जो तार है जो तो आपके यहीं पर सिस्टम में लगती है वो लूज हुई या वो उतरी हुई, तो अब आप घबरा दे ये क्या हो रहा है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, मैंने ख़राब तो नहीं कर दिया। ज़्यादातर छोटे बच्चे या जो नए नए कंप्यूटर यूज़ करने हैं उनके साथ ऐसा हो, उन्होंने ऑन किया ऑन ना हुआ वो घबरा दे, अरे हमने ख़राब तो नहीं कर दिया, हो दिया इतना महंगा लिया है क्या करे दे अब। तो लैपटॉप का क्या, बटन ऑन करना बस, और क्या करना, कुछ भी नहीं करना, माउस यूज से पहनना, इधर उधर माउस फेंकने दे चक्कर ना, कीबोर्ड की तार पीछे से उतरी हुई हो तो आप कह दे मेरा कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड नहीं चल रहा, या कंप्यूटर खराब हो गया कीबोर्ड ही नहीं चला रहा। ऐसा भी मैंने देखा है, तो लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा तो बच्चे क्या करते हैं ना, दो तीन बच्चे हैं वो आपस में थे रहे हैं, डेस्कटॉप पड़ा हुआ है तो तू तार उतर दी, हाँ तो अभी मोनीटर की तार उतर दी, पीछे से वीजीए वाली HDMI वाली जो भी यूज तारे हैं वो तार उतर दी, अब आप आए आपने लगाया कंप्यूटर और सिस्टम तो ऑन हो रहा है लेकिन मोनीटर ऑन नहीं हो रहा, नो डिस्प्ले आ रहा, आप दोबरा दे रही है त्या। फिर आपने देखा तार उतरी हुई, फिर आप तो तार लगाई, या आप तो तार लगानी ना आती हो या तीसरा सही लगानी है उल्टी सीधी ये वो, तो जो है यूजबिलिटी का वो है लैपटॉप जो है यूज करना बहुत आसान है। बच्चे तो भी दो देना वो भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लैपटॉप चलाना सीख जाएगा। जब डेस्कटॉप जो उसके साथ सब चीज़ लैदा लैदा होती है, हर चीज़ देखनी होती है सही तरीके से ऑन है तो नेट हुई हुई है तभी जाते आप यूज कर पाते हैं। तो अगर आप तो नॉइस पीछे ज़्यादा आ रही है तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 12 सेशन में शुरू हो दी मेरी तोड़नी तारा हूँ तो भी मुझे तोड़नी तनी है थी, तो इसलिए थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। देखिए अब बात करते हैं अपने सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, चौथे हैं पोर्टेबिलिटी का। देखिए अगर ये पॉइंट ना होता तो आज ना तो लैपटॉप होते उतना ही हमारे पास स्मार्टफोन होते। देखिए पोर्टेबिलिटी जो है वो आप तो लैपटॉप में ही मिलती है, डेस्कटॉप में आप तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए लैपटॉप का क्या है, लैपटॉप बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, आप उसे इधर उधर ले जा सकते हैं, आप दर पे ताम तर आपने तौलिज में ले दे जाना है, अब तो तौलिज में जाना है आपने अपने बैग में डाला लैपटॉप, यानी तो आप लैपटॉप तो तैर ही कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। शायद वो पे आप गाँव जा रहे हैं और बस लैपटॉप पे आपने लैपटॉप लिया, आप गाँव चले दें वहाँ अपना काम करने लग दें, अब डेस्कटॉप तो आप कैसे गाँव लेते जाए दे, उसे तो पूरी आप तो दारी चाहिए और ज़्यादा जगह चाहिए, लैपटॉप का तो आपने ले लिया अपने बैग में डाला और चलते बने। लेकिन इसे साथ साथ मैं ज़रूरी बात भी ये कहता चलूँ, तो पोर्टेबिलिटी जो है वो जो पतले लैपटॉप होते आज तक आप दे रहे होते तो बहुत मोटे मोटे जो है वो भी लैपटॉप आते हैं जिन्हें तो आप अपने टांगों पे रखते तो इस्तेमाल कर ही ना पाए, उसे आप तो टेबल पे रखना ही होता है, तो वो है वो आप इतना आसानी से दूध नहीं लेते जा सकते क्योंकि उनका जो वजन होता है वो लगभग 200 से 500 किलो तक हो जाता है,
तो वो लैपटॉप जो है वो पोर्टेबिलिटी में कहीं भी नहीं आते। हाँ तीन लोग तो वो भी सही लगे थे, जिन्हें पावर वाला लैपटॉप चाहिए, इन जो कहते मुझे पावर भी चाहिए पोर्टेबिलिटी भी चाहिए, यानी तो मुझे पावर वाली मशीन भी चाहिए, मैं इधर तो उधर भी लेते जा सकता हूँ। है थोड़ा सा मुझे वजन चाहिए उसको उठाने के, लेती मुझे पोर्टेबिलिटी भी चाहिए। तो अगर आपका पोर्टेबिलिटी चाहिए तो आप लैपटॉप ही ले, लैपटॉप में पॉइंटर करें। तो जैसे कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे पता है ज्यादातर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इतनी लंबा इंतजार नहीं कर रहे थे तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो जिन्होंने एंड तक वीडियो देख ली है, जैसे मैंने वीडियो शुरू में कहा था मैं तो आपको सीक्रेट बताऊँ था इस वीडियो के एंड में, देखिए अब ये सीक्रेट जो है बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब मैंने पूरी यूट्यूब में जितनी भी वीडियो देखी इस तरह की, लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप कौन सा लेना चाहिए, उनमें सिर्फ दो से तीन लोगों ने ही ये बात बताई है, और आप तो भी ये इतनी ज्यादा सुनने तो नहीं मिलेगी। अब देखिए ये जो सीक्रेट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो सीक्रेट है ये है कि डेस्कटॉप में हमें सीखने तो मिलता है, हम उसमें चैट कर सकते हैं, इत्यादि लग रहा है, यानी कि हम डेस्कटॉप के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था डेस्कटॉप तो थोड़ा तो ये बड़ा काम नहीं है, मुझसे से आप तो शेडो में दोस्त रू है, दोस्त रू थोलने बस आपने रैम चेंज करनी, वहां से निकाल लीजिए वापस लगा लीजिए, आपने द्राफी तार ऐड करना है वहां लगा लीजिए। अब द्राफी तार की बात चल रही है तो मैं वीडियो बना दूंगा एक, ये द्राफी तार कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, और फ्यूचर में आने वाली वीडियो में मैं एक ऐसी भी वीडियो बनाऊंगा थे जिसमें मैं आपको बता सकूँ बहुत आसानी से आप इस तरह डेस्कटॉप बना सकते हैं, यानी कि आप तो मैं सिखाऊ देते आप ऐसे घर बैठे बड़े आसानी से डेस्कटॉप बना सकते हैं और आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं ऐसे डेस्कटॉप बनाने में। तो वो बात ही है, देखिए बात हो रही है तो डेस्कटॉप जो होते हैं ना, तो आप हमें चीज़ें खोलना उसमें चीज़ें निकालना चीज़ें वापस लगाना और चीज़ें ऐड करना, उस चीज़ें जो खुशी है ना वो हमें लैपटॉप में तो मिल ही नहीं सकती। तो हम जो है डेस्कटॉप में वो खेल सकते हैं एक किस्म तक, उसे ओपन ताल लिया उसे हमने सारा निकाल लिया बाहर, मदरबोर्ड उसके साथ सीपीयू निकाल लिया फिर हमने दोबारा जोड़ा, तो ये तीन मानी है जो खुशी होती है ना अपने हाथ से चीज़ें निकालने की दोबारा ढांढने की, वो अब तो लैपटॉप में नहीं मिल सकती। देखिए छोटी सी मिसाल के तौर पे मैंने जब सबसे पहले अपने डेस्कटॉप में से प्रोसेसर हाथ में लिए थे पत्र हाथ, तो यकीन मानियो ऐसी खुशी आई थी जो ते आज दिन तक नहीं मिली। तो अगर आप ये काम कर रहे तो यतीम मनी आओ तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो अगर आप कहते हैं मैं टेक्नोलॉजी के साथ खेलूँ मुझे टेक्नोलॉजी बारे में और पता रहे ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो तब डेस्कटॉप जो है वो आपके लिए ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब ये वीडियो अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते लोगों के साथ शेयर देता तो लोगों को भी इसके बारे में पता लगे, और लोगों से जो है वो भी बाद में फिर पैसे वेस्ट ना हो गलत मशीन लेते गलत कंप्यूटर लेते, क्यों ते आप इस वीडियो को तो जितना शेयर करे दे ये ए थ्री दे सत्ता जारी लाया ज्यादा यूं ते इससे आप किसी और की मदद आए, तो इससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो तो शेयर और लाइक भी करिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी दबाए ते आप तो ऐसी इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो बस आज से इतना ही, और मैं मिलूंगा आपसे एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।